टीचर्स डे मनाया गया है आपके इस स्नातक सोसाइटी, क्या पैगाम है टीचर्स के लिए? हमारे खास करके हस्ना कॉलेज के टीचर्स जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा मेहनत किए हैं, यहाँ पर एजुकेशन इतना अच्छा दिए हैं कि बच्चियों को रैंक हासिल हुआ है, कम से कम पिछले साल 11, इस साल 18, ऐसा कंटिन्यू कई सालों से रैंक आ रहे हैं। टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि जो आज 1962 का जो है राधा कृष्णन का बर्थडे था, उनके हिसाब से आज टीचर्स डे मना रहे हैं। माशाल्लाह हम आज बहुत अच्छे तरीके से ग्रैंड तरीके से मनाए। यहाँ आए मेहमानों से चंदे का आपने दरख्वास्त की है, खासतौर पर यतीम खाने के ताल्लुक से, तो क्या दरख्वास्तें हैं? क्या है कि अभी पिछले एक साल पहले लीज रिन्यू हुआ है हमारा, पहले बहुत कम रेंट में था, फिर बढ़ाते बढ़ाते और ज्यादा रेंट हुआ है, तो वो जो है अभी उसी टाइम में बात हुई थी कि 33 साल के लिए रिन्यू करेंगे बोलकर वर्कबोर्ड को भेज कर, मगर एक साल से अभी कुछ हुआ नहीं है, इसीलिए हम मिनिस्टर साहब से बताए कि भाई हमारा वो 33 साल अगर रिन्यू हो जाता है तो हमें UGC से बहुत कुछ फंड मिलेगा, तो कॉलेज की बहबूदी के लिए हम काम कर सकते हैं। और हमारी ज़मीन भी है माशाल्लाह हिन्नौर में, 2 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर भी एक ब्लॉक बना सकते हैं इंशाल्लाह, उसे जो है वहाँ भी कॉलेज शुरू कर सकते हैं। और ये जो भाड़ा देना पड़ रहा है बहुत महंगा पड़ रहा है हमारे, और हमारी कॉलेज कोई ज़्यादा फीस वगैरह नहीं रखी बच्चों के लिए, बहुत कम कीमत कम फीस पे चला रहे हैं, और ऐसे बच्चियों को लेकर आ रहे हैं उनकी जो फीस देने की कोई यही नहीं है, कोई ऑटो ड्राइवर की बेटी, कोई बहुत गरीब से गरीब तबके से लेके आ रहे हैं। सालाना कितना किराया दिया? 48 लाख रुपए दे रहे हैं। क्या डिमांड है सर आपकी, क्या चाहते हैं? डिमांड बोले तो क्या है, वो 33 ईयर्स का लीज होना, और वहाँ पे हमारे को थोड़ा बसेस खड़ाने के लिए हम रिक्वेस्ट किए हैं उनको, और बच्चों को लिए जो खेलने का मैदान वीक में 3 टाइम दिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहेगा, इसलिए उनको रिक्वेस्ट किए हैं, मगर देंगे बोल रहे हैं मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो इसलिए हम सोचे कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन से भी आएंगे, वो भी आ नहीं सके, कुछ अलीम हैं शायद, 3-4 दिन से बहुत टूर में थे वो, तो इस वजह से आ नहीं सके वो, तो उनको भी हम रखेंगे सामने बात बोलकर। फिर भी हमारे नसीर अहमद साहब जो है बोले हैं पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर, हम इंशाल्लाह आगे ये करके उनको भी बुलाएंगे, यतीम खाने वालों को भी, और हमको बुला के बिठा के एक तस्वीर करेंगे। प्ले ग्राउंड वगैरह प्रेजेंट नहीं है क्या? है मगर इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बच्चियां जो कम से कम 700 से 800 बच्चियां हैं यहाँ पर, अलग अलग कोर्सेस भी रहते हैं ना। राधा कृष्ण साहब का बर्थडे जो है टीचर डे के नाम से ही मनाया जाता है हर साल, ये मौका एक ऐसा अनमोल समझ कर हम इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल करने, एक तरफा नहीं रहा, दोनों तरफ टीचर्स की और असातिज़ा की हौसला अफजाई भी हो जाती है, साथ में हमारी चंद परेशानियां मैनेजमेंट की जो है वो भी मिनिस्टर्स के सामने रख सकते हैं बोलकर इन सबको मधु किए थे। जमीर अहमद साहब, नसीर अहमद साहब, अब्दुल जब्बार साहब, खालिद अहमद साहब, अनवर हमारे जो बोर्ड चेयरमैन हैं, इन सबको बुलाए थे, वो दोनों कुछ वजूहत की वजह से, सेहत की वजूहत की वजह से वो दो आ नहीं पाए, जमीर अहमद साहब और अनवर साहब, तो माशाल्लाह उन्हीं के हाथों से सारी असातिज़ाओं को फेलिसिट किया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी कुछ जो परेशानियाँ थी वो भी उनके सामने रखा गया है, और प्रेजेंटेशंस भी दिए हैं हम नसीर अहमद साहब को, जब्बार साहब को, सब इंशाल्लाह एक मीटिंग बुलाएंगे हमारी और ऑर्फनेज के मेंबरान की, एक उसके बाद क्या है इंशाल्लाह एक फैसला लेंगे बोलकर। हमारे जो हैं UGC ग्रांट्स अटक गए हैं, खाली अगर 33 साल का या 30 साल का अगर हमें लीज मिल जाए, ये वादा था पिछली कमेटी का कि साथ में बना कर देते हैं, बोलकर नई एग्रीमेंट कराए थे, 4 लाख भाड़ा भी दे रहे हैं माहाना, इतना नहीं था, 70,000 कुछ था भाड़ा, उसके बाद 4 लाख हुआ, 4 लाख से भाड़ा दे रहे हैं, मगर बहुत मुश्किल से चलाना पड़ता है, बच्चे जो भी आते हैं बहुत पिछले तबके से आते हैं, फिर भी उन लोगों के तालीम के मद्देनजर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत खुश हैं हम लोग, अच्छा तालीम दे रहे हैं, पूरा डेडिकेटेड स्टाफ है, हर चीज़ सही है, मगर थोड़ी नहीं थोड़ी कमी क्या होती है,
कोऑपरेशन की होती है, हमारे सरपरस्त हैं। अब हम टेनेंट ही हो गए, एक जमाना साथ थे, अब टेनेंट ही हो गए आरफनेज के, तो टेनेंट भी टेनेंट की शक्ल में देख रहे हैं। अगर हमारे कुछ छोटे छोटे जरूरियात पूरे हो गए तो साथ मिलके उन लोगों की भी सहूलतें बढ़ जाएंगी। क्योंकि 50 साल कदीम इदारा है, तो आज तक जमीन या खास तामीर पर तवज्जो नहीं दी गई। नहीं, हमारी खास जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, तामीर बस फंड्स की वजह से नहीं हुई। इसी को बढ़ावा देना पड़ता है, बड़ी बड़े रेंट देना पड़ता है, यहाँ के खर्चों अखराज बराबर हो रहे हैं, और माहाना जो भी है हमारे बच्चों से हम कुछ ज्यादा नहीं ले रहे, नहीं के बराबर की फीस ले रहे हैं बच्चों से। असातिज़ाओं का भी तनख्वाह होती है, 100% एडेड नहीं है, तो जो भी एडेड थे पहले जब शुरुआत में, जैसा जैसा वो रिटायर हुए उनको रिप्लेसमेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला। जितने सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से मिलना था वो मिलकर अगर वालिदैन फीस बराबर दे दिए तो हम कहीं भी जाकर मांगने की जरूरत नहीं। सब बात रखी है इंशाल्लाह, ये भी बात रखी है हमने इंशाल्लाह। उन्होंने माइनॉरिटी के कुछ फैसिलिटीज क्या क्या है एजुकेशन के लिए वो भी हमें लिंक्स दिए हैं, इसलिए हम सब इंशाल्लाह उसमें भी जो है जद्दोजहद करेंगे हम साथ सब साथ मिलकर। राइट फ्रॉम PUC टू डिग्री, मास्टर डिग्री भी है, MCOM है अल्हम्दुलिल्लाह, BCA BBA है, MBCOM सब है अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है वो इदारा। आगे बहुत है मनसूबे, मगर सहूलत अगर मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं वहाँ MBA बनाने का सोच रहे, पैरामेडिकल कोर्सेज भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हाँ कॉलेज चल रही है, बॉयज कॉलेज चल रही है, फाइनेंशियली तो जरा तकलीफ होती है, पिछले 4-5 साल से खाली सेटल होने में लगी कोविड के बाद, हर इदारा पूरा बिल्कुल खाली हो गया था, 2 साल खाली बैठ कर तनख्वाह दिए हैं, किसी की भी तनख्वाह एक दिन की भी रुकी नहीं थी कोविड के दौरान। कोविड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बस आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग आए, हम शुक्रिया बजा लाते हैं हम सबका मैनेजमेंट की तरफ से, मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का। सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, ये एक खासकर टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप को मजबूत करने और उनके बीच में एक अच्छा रसूख पैदा करने के लिए एक मौका है, और हर चीज़ खासकर स्टूडेंट्स को असातिज़ा के बारे में उनको बड़ी इज्जत से देखना और उनके साथ एक रिलेशनशिप कायम करना, इसके लिए एक फाउंडेशन है। तो ये सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है और इसमें मैं समझता हूँ कि इससे स्टूडेंट के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और टीचर्स को भी, मतलब स्टूडेंट्स के साथ एक रिलेशनशिप पैदा होती है। तो आज हसनाथ कॉलेज में बड़े अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को मनाया गया और हसनाथ कॉलेज बेंगलुरु शहर के अंदर खासकर लड़कियों के लिए लोगों की एक पहचान बना के है कि यहाँ पर लड़कियों बड़ी महफूज होते हैं और उनको यहाँ बड़ी अच्छी तालीम दी जाती है। तो मैं ये मैनेजमेंट वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इनके जो एफ़र्ट्स हैं उसमें इंशाल्लाह आगे चलकर भी ये एफ़र्ट्स कंटिन्यू करें और इसकी कॉलेज की ग्रोथ और करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह उसकी तो उसके सिलसिले में हम मैंने बताया है कि हमारे वो अवकाफ के मिनिस्टर जनाब ज़मीर अहमद साहब से बात करके एक टाइम फिक्स करके कॉलेज वालों को और आर्फनेज वालों को दोनों को मिलाकर उनके मसले और मसाइल को देखकर इंशाल्लाह एक डिसीजन लें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स, मैं बहुत पहले भी आ गई हूँ, आज हमारे कौम के वास्ते ज़रूरत है इस चीज़ ना, ये औरतों औरत बच्चों की तालीम का जमना खास कर को अब इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाना है सब तरफ भी। हमारे लड़के कैसे कॉलेज में जाकर तो पढ़ सकते हैं, ये हिजाब के ये सब मामले शुरू एक बात से खास कर को हमें वो लोग उसकी तरफ ही हमारा दिमाग ज़्यादा है, हो सकता है ज़्यादातर औरत बच्चों के कॉलेज सब तरफ भी ओपन करना कर को। अब हमारे मिनिस्टर साहब के पास बात कर को 15-90 कॉलेज जो जो हैसियतमंद इंस्टीट्यूशन से उनको 15 कॉलेज वक्फ बोर्ड की तरफ से बना को देना कर बोल को बातचीत चल रही, एक डिस्ट्रिक्ट 15 डिस्ट्रिक्ट अब स्टार्ट कर रही,
वो मालूम नहीं है। 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें बेंगलुरु है, बेंगलुरु है, कोलार है, टुमकुर है, 15 डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट स्टार्ट करते, नेक्स्ट और 15 डिस्ट्रिक्ट कर को, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक औरत बच्चा ये कॉलेज रही तो हमारे बच्चों का एडमिशन को प्रॉब्लम नहीं रहता, पढ़ने तकलीफ नहीं रहती, कॉलेज भी कर सकते। ये असातिज़ा के बारे में खासकर आज जो सारे हिंदुस्तान में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तकरीबन 10 साल थे, उसके पहले एम्बेसडर भी थे, ही वॉज अ फिलासफर एंड ही वॉज अ स्कॉलर ऑल्सो। तो मैं ये भी कह रहा था कि जब उनका बर्थडे करने उनके स्टूडेंट गए थे, उन्होंने कहा कि मेरा मत करो, टीचर्स डे बनाओ। तो जब से टीचर्स डे का रिवाज शुरू हुआ तो टीचर्स का यानी असातिज़ा का मकाम बहुत बड़ा मकाम है, क्या उसका हम यही नहीं कर सकते कि डिस्क्राइब नहीं कर सकते तो कितना बड़ा मकाम है। जब्बार साहब ने बहुत बड़ी बात की कि फाउंडर्स डे मनाओ, क्योंकि जो ईजाद करते हैं कोई भी हो, उसका कम से कम उसकी याद में अगर फाउंडर डे मनाए तो उनकी रूह भी खुश होती है और दूसरों को भी आगे आने के लिए हमना भी याद करते हैं आगे चल के, बोल के एक बहुत बड़ा इकदाम हुआ। नसीर अहमद साहब की बहुत उम्दा तकरीर थी, खासकर तलबा के लिए। मैंने मेरे एक देखानी अंदाज में मैं छोटा मोटा मैसेज पहुंचाया, बस मैं तो मुखर डालना 13 सितंबर को आखिरी तारीख है। तो हमने भी हम चंद दोस्तों को उसका स्क्रीन एक ये बना के उसका प्रोफार्मा बना के हमारे यहाँ से जो मुहिम होचे इदारों को, पुराने जो इदारे हैं हमारे जो पहचान वाले हैं, वक्फ बोर्ड वाले से भी बोले हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से भी बोले हैं, उन्होंने भी वक्फ ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिए हैं कि सब मुतोलियों को बुलाकर बड़ी तादाद में ये डालना है। मैं गुजारिश करता हूँ कि सारे सामाजिक कार्यकर्ता हो, हमारे इदारे हो और हमारे वक्फ इदारे हो, मुतवल्ली हजरात हो, नौजवान हो, सब इसको भी ज्यादा हिस्सा लें आगे चल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अखबारों में भी देना चाहिए, मसाजिद से भी और खासकर इदारों से भी, सब भी इसमें एक्टिव होना, फाल होना चाहिए। नुकसान तो कंप्लीट नुकसान ही है, इसमें कोई बचा नहीं। ऑल पावर्स क्या, और हमारे जो जमीनात क्लेम जो है हमारा, हमारे गजट नोटिफिकेशन से इसका बहुत बड़ा रिप्रिकेशन आता है, इसलिए नुकसान बहुत हैं। तो हम इसको पूरी कोशिश से क्या आखिरी दम तक हम सब मिलकर इसकी कोशिश कर रहे हैं और पूरे ऑल इंडिया लेवल में जो हमारे इदारे हैं उनकी बहुत कोशिश हो रही है। इंशाल्लाह ताला आप सब भी इसका पैगाम पहुंचाइए, मेरी गुजारिश है, तो हम इंशाल्लाह इसके बारे में काम करें।